पापा मैं कुछ कहूँ? वो क्या है कि पापा मुझे लगता है अनंत की जगह संजय चाचा को यहाँ रुक जाना चाहिए। एक तो उन्हें काम की जिम्मेदारी सौंपने का ही अच्छा मौका भी है और दूसरा वो कारोबार के बारे में अनंत से ज्यादा जानकारी भी रखते हैं और समझ भी। हमें रेणुका को सब कुछ बताना पड़ेगा मीता। ये जानने के बाद वो गौतम के पास लौट के फिर कभी नहीं जाएगी। लेकिन छुपाने से भी क्या होगा मीता? सुनिए, आप जानते हैं उस लड़की को? हो सकता है वो गौतम के साथ काम करती हो या फिर सिर्फ उसकी एक दोस्त हो। आपको ये कैसे पता कि वो उसकी? देखिए, ये सिर्फ रेणु की नहीं उड़िया की भी जिंदगी का सवाल है। हमें गौतम को एक मौका देना चाहिए। अगर वो रेणु को घर ले जाना चाहता है तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। पापा, पापा आप मिले गौतम से? क्या हुआ? अब आप इतना सब मन से दे रहे हैं तो हम थोड़े रोक सकते हैं। भाई हम भी बेटी वाले हैं, हमें पता है आप जो भी करेंगे ना अपनी बेटी की खुशी के लिए करेंगे। हाँ नमस्ते। ये मेरे छोटे बेटे की बेटी है, मुंबई वाले दीपक की। ये तो मेरी बेटी जैसी है। ये तो बहुत अच्छी बात है, इसे इस घर में एक बहन मिल जाएगी। आपका इससे ही बतियाते रहेंगे? अरे भाई हम दामाद हैं, हमसे नहीं बतियाएंगे का? शादी के लिए 1000 काम बचा हुआ है, उसके लिए डिस्कशन कर लेगा। हाँ हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल। अच्छा हाँ सुन, रिच को गलती से भी मत बताना। क्यों? अरे मैंने तुझे अकेले इसलिए बुलाया था क्योंकि हम लड़कियों को ये नहीं बता सकते। अरे पर क्यों? क्योंकि वो लड़कियां हैं। देख, लड़कियों के पेट में ना कुछ भी नहीं बचता, और ये नव्या के लिए एक सरप्राइज है और मैं नहीं चाहता कि उसे बता दें वो। वैसे एक काम अच्छा किया, उन नमूनियों को तूने यहां नहीं बुला। हेलो हेलो हेलो, हाय, क्या चल रहा है? अब अनंत एक काम करोगे? हाँ बोलो ना। तुम रणवीर को अपने जैसा नहीं बना सकते? मतलब? अरे तुम नव्या को मिलने के लिए क्या क्या कर रहे हो? I mean, कहाँ तक जा रहे हो? कहाँ तक जा रहा हूँ? अरे कानपुर।